सो है दोस्तों, मैं ब्रिजेश पासी आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप ध्यान रखिए कि आप इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे कैंडिडेट जो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग का लिहाज नहीं रख रहे हैं। ध्यान रखिए कि सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जो 16 वाला नंबर है जिस पे व्हाट्सएप पे आप लोग मुझसे कनेक्ट हैं, उसी टाइम पे आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। संडे ऑफिस बंद होता है तो ध्यान रखें उस समय आप कॉल ना करें। आप जानना चाहते हैं एजेंसी का एड्रेस किस किस कंट्री में, 12 से ज्यादा कंट्रियों में वैकेंसी है उसके बारे में जानना चाहते हैं। आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है, कितना सर्विस चार्ज लगेगा, कितनी डिटेल लगेगी, सारी जानकारी जानना चाहते हैं। एक मेजर वीडियो ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप पे आप लोगों को शेयर किया है, उस वीडियो को वॉच करना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो वीडियो नहीं देख रहे हैं और बार बार मुझे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सर मैं वीडियो नहीं देख सकता, मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूं, आप मुझे बता दीजिए। तो ऐसे जितने भी कैंडिडेट हैं जो वीडियो बिना देखे मुझे कॉल कर रहे हैं या फिर बिना देखे मुझसे व्हाट्सएप पे चिटचैट कर रहे हैं, तो उनके व्हाट्सएप का मैं जवाब ही नहीं दे रहा हूं। अगर आप कॉल कर रहे हैं तो आपके कॉल आने के बाद मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं जिससे मुझे पता चल जा रहा है कि आपने वीडियो देखी है या नहीं देखी है। जैसे कि हो गया, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को पूछ सकता हूं जो वीडियो में बताया गया उसका आंसर अगर आप बताते हो तो हमारी जर्नी जो टॉकिंग जर्नी है वो आगे कंटिन्यू करता हूं, आपका फुल फिल आंसर देता हूं मैं। अदरवाइज आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप वीडियो पूरा देखें फिर मुझसे बात करें। इसमें मेरा फायदा कुछ नहीं होना है दोस्त, सबसे ज्यादा फायदा किसका होना है, अगर वीडियो आप पूरा देखते हो तो। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कितना पैसा लगेगा, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कितना है, फॉर्म फीस कितना है, सीवी फीस कितना है, पासपोर्ट के चार्जेस कितने हैं, सैलरी से वहां जाने के बाद कितना अमाउंट आपके सैलरी से डिडक्ट होगा, ये जानकारी आप लोगों को मिलना जरूरी है। मैं कौन हूं, मेरे एजेंसी का एड्रेस कहां है, ये सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और एक सबसे अहम मुद्दा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर मेरे साथ स्कैम हो गया, मैं चंडीगढ़ गया था और फलाने जगह गया था, मेरे साथ ऐसा था, मैंने 2 बार अप्लाई किया, 4 बार अप्लाई किया, 1 बार अप्लाई किया, मेरे साथ स्कैम हो गया, गलत हो गया। तो इसका सोल्यूशन मैं बताता हूं गाइस कि आपके साथ गलत क्यों होता है। सबसे पहली बात, आप किसके पास अप्लाई कर रहे हो उसकी कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं आपके पास, किस एजेंसी के पास अप्लाई कर रहे हो कोई जानकारी नहीं है आपके पास, जिस बंदे के पास अप्लाई कर रहे हो क्या उसका एड्रेस आपके पास है, एड्रेस नहीं है, सबसे बड़ी ये मिस्टेक हो रही है। आप ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई तो कर रहे हो, लेकिन सबसे खास बात, मेरे पास अप्लाई कर रहे हो या किसी और के पास अप्लाई कर रहे हो, मेरा आईडी प्रूफ ले सकते हो, पासपोर्ट ले लो, आधार कार्ड ले लो, और कोई डॉक्यूमेंट आपको नीड है मुझसे इंक्वायरी कर लो, इसमें शर्माने जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि आप अमाउंट दे रहे हो तो आपका हक बनता है कि पूरी जानकारी आपको लेना चाहिए, ठीक है मेरे हिसाब से। और आप जहां भी अप्लाई कर रहे हो, स्कैम इसीलिए आपके साथ हो जाता है कि आप बिना जाने बिना पहचाने आप जाके उनके ऑफिस में 10,000 50,000 आप दे देते हो, लाखों रुपए दे देते हैं लोग और सबका डूब जाता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जो 1 बार 2 बार 4 बार धोखा खा के बैठे हैं लेकिन उनका काम कहीं नहीं हो रहा है। 2-2, 4-4 साल से लोग अप्लीकेशन दे रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहे। अगर मेरे थ्रू आप जाना चाहते हो, मेरा एड्रेस मैंने पूरा बताया, मेरा आईडी प्रूफ चाहिए आपको मैं पूरा दे दूंगा, मेरा जहां का लोकेशन है एग्जैक्टली वो लोकेशन आप लोगों को गूगल मैप के द्वारा प्रोवाइड करवा दूंगा। आप ऑफिस आके विजिट करके अप्लाई करना चाहते हो वो भी प्रावधान है, आप घर बैठ के अप्लाई करना चाहते हो वो भी प्रावधान है। मेरे बारे में अधिक जानना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक वीडियो दे दूंगा, उसके अंदर सारी जानकारी मिल जाएगी आप लोगों को। तो हर तरह से मैं आप लोगों को सेटिस्फाई करके आप लोगों को अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूं कि हर एक आंसर मैं प्रोवाइड कर दूं। तो कोशिश करें कि जहां भी आप अप्लाई करें सिर्फ मेरे थ्रू नहीं, उनकी सारी डिटेल लें और सारी डिटेल लेने के बाद ही आप लोग अप्लाई करें तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। तो मेरे तरफ से तो ये आप लोगों के लिए एक टिप्स रहेगी। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है गाइस, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और अननेसेसरी किसी भी टाइम में आप मैसेज करोगे, किसी भी टाइम में कॉल करोगे। देखो मैं मोबाइल हमेशा चालू रख रहा हूँ, क्यों चालू रख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो नेट अगर मेरे मोबाइल का ऑन होगा तो आपको के रिवर्ट बैक जो ऑटो मैसेज मैंने सेट कर रखा है वो आप लोगों को चला जाएगा। तो उसके अंदर एक वीडियो का लिंक होता है जो आप पूरा देख सकते हैं और आपको पूरा समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर मैं मोबाइल बंद रखता हूं तो वो मैसेज आपको नहीं जाएगा, इसलिए मोबाइल ऑन है। लेकिन दिया हुआ जो समय है 11 बजे से 4 बजे के बीच में आप लोग कॉल करेंगे तो मैं अवेलेबल होता हूं, उठा लूंगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो व्हाट्सएप कॉलिंग ट्राई कर रहे हैं, तो ध्यान रखें व्हाट्सएप कॉलिंग मना है, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे मैं किसी से बात कर रहा हूं कॉल पे और नॉर्मल कॉल भी उस पे आ सकता है, अगर आ जाता है तो ये कॉल जो होती है व्हाट्सएप कॉल वो दब जाती है। तो ध्यान रखें, आप कभी भी अगर इंडिया में हैं तो आप नॉर्मल कॉल करें, अगर आप देश के बाहर हैं तो आप व्हाट्सएप कॉल करें तो चल जाएगा, ठीक है, उस समय मैं थोड़ा बहुत आपको मैनेज कर सकता हूं। लेकिन इसके अलावा इंडिया में रहकर आप व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। और मेरी सिचुएशन कोई नहीं समझ सकता मेरे अलावा, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे व्हाट्सएप पे डेली के 500 से 600 मैसेजेस आ रहे हैं व्हाट्सएप पे जॉब रिलेटेड, और वो सारे मैसेज अगर मैं इंडिविजुअली हर बंदे को देख के अगर रिप्लाई करता हूं, मान लीजिए मैंने 25 बंदे को एक साथ अगर रिप्लाई किया मैंने मैसेज डाल के, तो 25 बंदे मेरे साथ लग रहे हैं चैटिंग करने, कॉल पे बात करने, ठीक है। तो उनको सॉल्व करते करते, ध्यान रखें सॉल्व करते करते उनको एक सेटिस्फाई आंसर देते देते मुझे 1 घंटा आधा घंटा लग जा रहा है, फिर मैं अगले बंदे को डील करूं। इससे अच्छा है कि सबसे बेहतरीन है कि आप लोगों को मैं एक वीडियो दे रहा हूं, वीडियो देख लो, सारा मैटर सॉल्व हो जा रहा है, फिर कॉल करके आप डायरेक्ट बात कर लो। ध्यान रखें कि मैं व्हाट्सएप पे अगर लाइव दिख रहा हूं, ऑनलाइन दिख रहा हूं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपका मैसेज मैं जानबूझ के रीड नहीं कर रहा हूं, कि 500-600 मैसेज में मैं हर मैसेज को ट्राई कर रहा हूं कि एक सेटिस्फेक्शन वाला आंसर दे दूं, और कोशिश यही रहती है कि हर मैसेज को मैं प्रॉपरली रिप्लाई कर पाऊं। अगर फिर भी आपका मैसेज मिस आउट हो जाता है, नहीं रिप्लाई हो पाता है, तो आप वीडियो देखने के बाद डायरेक्टली कॉल करेंगे और मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करूंगा, उस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाओगे तो हम आगे आपका बात पूरा रखेंगे, पूरा सुनेंगे और आपको एक सेटिस्फेक्शन वाला आंसर देंगे।
अब मैं बात करता हूँ रजिस्ट्रेशन अमाउंट की और आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी और इंटरव्यू कॉल की, क्योंकि बहुत सारे बंदे परेशान हैं कि इंटरव्यू कॉल में क्या पूछा जाएगा और क्या बताना है हमें, ठीक है। तो ध्यान रखें इस बात की कि रजिस्ट्रेशन जो कॉस्ट है 2,500 है, अगर विथ सीवी आप करते हैं तो 3,000 है, जैसा कि वीडियो में बताया गया। तो ये 3,000 रुपये कब भरना है ये सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं कब भरना है। आप जब डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपको मेजर वीडियो में बताया गया वो डॉक्यूमेंट आप सेंड करते हैं, मेरे तरफ से आपको अप्रूवल जाता है कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट रिसीव कर लिए गए हैं व्हाट्सएप पे, आप मुझे अब रजिस्ट्रेशन अमाउंट भर सकते हैं। तो जो 16 वाला हमारा नंबर है जिस पे आप कॉल पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, उसी नंबर पे आप गूगल पे फोन पे द्वारा 2,500 है या 3,000 है, आपका जैसा भी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से रजिस्ट्रेशन अमाउंट है उसको पे करके, उसका स्क्रीनशॉट लेके गूगल पे के द्वारा फोन पे के द्वारा पे करके आप स्क्रीनशॉट लेके उसे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। ये अप्लाई करने का ऑनलाइन तरीका है, इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाद हम आगे प्रोसीजर बढ़ाते हैं। किसी कंट्री का प्रोसीजर 3 महीने का है और किसी कंट्री का प्रोसीजर 6 महीने का, इससे कम में आपका काम नहीं होने वाला है, ध्यान रखें इस बात का। बाकी आपका जो टिकट है आपको खुद अफोर्ड करना है, आपकी जो सैलरी से जो सर्विस चार्ज कटेगी वो आपको पता ही है, तो आप वीडियो देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सर कॉलिंग इंटरव्यू, हम अप्लाई कर दिए तो कॉल हमें कब तक आएगा? तो विद इन अ मंथ आपको कॉल आने की पूरी संभावना है। और उसके अलावा मैं बता दूं कि कॉल किसको आएगा, जैसे आप हेल्पर हैं, लेबर हैं, पैकिंग हेल्पर हैं, स्टोर कीपर हैं, जैसे आप 10वीं पढ़े 12वीं पढ़े और छोटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आप कॉल नहीं आ सकता है। उसके लिए आपको सिंपल सी बात है कि आपको अगर कॉल आता भी है तो ज्यादा इंग्लिश में नहीं क्वेश्चनिंग किया जाएगा, हिंदी में आपसे डीलिंग की जाएगी। इस बात का ध्यान रखें कि आपको सैलरी वगैरह के बारे में नॉलेज दे दी जाएगी, दैट्स इट। लेकिन जो बड़ी मेजर पोस्ट के लिए कॉल आएगा, मैनेजर, इंजीनियर, सुपरवाइजर, बड़ी पोस्ट के लिए जिनको लाखों में सैलरी मिल रही है और बड़ी कंट्री के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, तो उनको कॉल आ सकता है। उनको स्ट्रिक्टली मैं बता दूं कि इंग्लिश में उनका इंटरव्यू होगा और पूरी तरह से उनको प्रिपेयर रहना है, और जब भी कॉल आएगा उससे एक दिन पहले मैं आपको अलर्ट कर दूंगा, तो आपको तैयार रहना है उस कॉल को अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो छोटी पोस्ट के लिए ज्यादा टेंशन नहीं है, नॉर्मल कॉल आएगा, बस हिंदी में आपको बात कर लेनी है, मैटर सॉल्व हो जाएगा। सो गाइज, होप सो कि मैंने पूरी जानकारी दी है। हमारे ऑफिस का एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और मेजर वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। और मेरा जो ऑफिस है और मेरा घर है वो दोनों एक ही है, आजमगढ़ का है, तो उसका वहां पे मैंने पूरा एड्रेस दिया हुआ है। और मेरे से आईडी प्रूफ आप लेना चाहते हो तो जरा मेरा जो मुंबई का घर है मेरे आईडी प्रूफ में उसका भी एड्रेस मिल जाएगा आपको, क्योंकि मेरा अपब्रिंगिंग और एजुकेशन मुंबई में हुआ है, तो मेरा पासपोर्ट और मेरा आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो मेरे मुंबई के घर का है। तो आप लोगों को जो भी डिटेल मुझसे नीड है, जो चाहिए आपको, वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की है। बाकी आईडी प्रूफ वगैरह आपको लेना है तो आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप पे चिटचैट करके ले सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब और चैनल, शेयर करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।